बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प आपको टूल्स मेनू के अंदर बताने जा रहे हैं। तो लेटर एंड मेलिंग का यूज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बल्क में या एक साथ कई लोगों को जो है आप एक ही लेटर को सेंड करना चाहते हो, अलग अलग पते पर भेजना चाहते हो, तो इसके लिए आपको लेटर एंड मेलिंग का प्रयोग करना होगा। बहुत अच्छा विकल्प है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप अपने सभी कस्टमर को आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी सेंड करना चाहते हो, कोई जानकारी भेजना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा कि जानकारी सबके लिए सेम है लेकिन एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई लेटर आप बनाते हो और सबके लिए आप अलग अलग एड्रेस को टाइप करते हो, तो काफ़ी समय आपको जो है देना पड़ेगा एक एक लेटर को बनाने में और उनके एड्रेस को टाइप करने में। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल या कॉलेज है जिसमें कोई एनुअल फंक्शन होने जा रहा है और उस एनुअल फंक्शन में आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो कि, तो इसके लिए मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूं और उसके ऊपर दिखाता हूं कि हम लेटर एंड मेलिंग का प्रयोग कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहां पे एक लेटर बना रखा है जिसको मुझे क्या करना है कि अलग अलग पते पर मुझे इसको सेंड करना है। हमने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, इसी फॉर्मेट को हमको जो है मेल के रूप में भेजना है, सेंड करना है। तो हमने देखिए यहाँ पर जो है लेटर के लिए जो लेटर सेंड करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर नेम, एड्रेस, सिटी और पिन का यहाँ पर कॉलम बना रखा है। अब इसमें हम ऐसे उस नेम को टाइप करेंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि हम एक एक स्टूडेंट्स के नाम को टाइप करेंगे, प्रिंट करेंगे तो काफी समय हमारा वेस्ट होगा जो संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेटर एंड मेलिंग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और लेटर एंड मेलिंग पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं मेल मर्ज विजार्ड का यहाँ पे विकल्प है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड में मेल मर्ज टास्क पैन खुल गया है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, एक बार और क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहां देख सकते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलाइन कॉन्टैक्ट या टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक कर। तो हम आपको बता दें कि आप अगर नया लिस्ट बनाने जा रहे हो, नया एड्रेस लिस्ट बनाने जा रहे हो, तो आप यहां पे टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करिएगा। अब यहां देखें, यहां क्रिएट ऑप्शन का विकल्प दिया है, आपको इस पे क्लिक करना है। टाइप द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसेप्शनिस्ट, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहां देख सकते हैं न्यू एड्रेस लिस्ट का विकल्प खुल चुका है। अब यहां देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से कुछ एड्रेस इंफॉर्मेशन को भरने के लिए यहां पे कॉलम बना रखा है। इसमें अगर आपको यही कॉलम चाहिए जैसे टाइटल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वन, एड्रेस टू, तो आप यहां पे क्या करेंगे, ये सब कॉलम बने हुए हैं, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन जैसे और ईमेल जैसे कॉलम पहले से बने हुए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो लेटर हम तैयार करने जा रहे हैं उस लेटर में मुझे नेम लेना है, एड्रेस लेना है, सिटी लेना है और पिन कोड लेना है। तो हमें क्या करना होगा कि इतने सारे कॉलम नहीं लेने हैं, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज जब करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा जिसमें वो सारे कॉलम जो पीछे आपको दिख रहे थे वो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने जरूरत के हिसाब से कॉलम को रखना है, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट यस, और इस तरह सभी कॉलम को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डिलीट यस वाई बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे आप डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने के बाद मैंने कहा कि आपको अपना नया फील्ड जोड़ना होगा, यानी जो भी आप अपने उस लेटर के अंदर जो भी कॉलम आप चाहते हो रखना, जो आपने लेटर के ऊपर रखा हो वही कॉलम आपको यहाँ पे लेना है। तो आप यहाँ देखें नेम है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ नेम। नेम रखने के बाद यहाँ ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे नेम का कॉलम आ चुका है, फील्ड आ चुका है। इसी तरह जो भी कॉलम आपको चाहिए, आप देख सकते हैं एड्रेस का कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एड्रेस का कॉलम मैं ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह आप यहाँ पे ऐड करेंगे सिटी, इसी तरह आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा पिन कोड या जिप कोड यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। अब हमारा कॉलम जो चाहिए, हमने जो लेटर के अंदर दिखाया है वो यहाँ पे हमारा फील्ड तैयार हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि हम डिलीट का ऑप्शन बता चुके हैं, यहाँ रीनेम का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप चाहते हो कि हम इसको कोई स्पेलिंग गलत हो गया है तो हम इसको यहाँ से रीनेम कर लें, तो आप रीनेम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिटी का कॉलम नीचे की तरफ होना चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं मूव डाउन का बटन दिया है, या अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ऊपर की तरफ होना चाहिए तो मूव अप का विकल्प दिया गया है। आप यहाँ से फील्ड को ऊपर और नीचे की तरफ खिसका सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ ओके करना होगा।
ओके करते ही आप यहां देख सकते हैं कि अब आपका कस्टमाइज किया हुआ यहां एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है बन चुका है। अब आपको वो सारे एड्रेस जो स्टूडेंट्स के हैं या आपके जो कस्टमर हैं उन सभी के एड्रेस को आप यहां पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, उसका नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे और पिन डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए, आप लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ जो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया AK सिंह, एड्रेस में हमने यहाँ लिया भाट पर, यहाँ पे सिटी में ले लिया हमने, और यहाँ पिन कोड में कुछ भी ऐसा कोड कोई डाल देते हैं, यहाँ डाल दीजिएगा, 6 अंक का कोड होता है। आप फिलहाल यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि आप सीख रहे हो इसलिए आप जिस एड्रेस को, पिन को, सिटी को लेना होगा आप यहाँ पे टाइप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अब अगला एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ न्यू बटन दिया गया है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे वो एंट्री अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ देख सकते हैं दूसरा रिकॉर्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कोई और नाम ले लीजिएगा, जैसे हमने लिया एस, इसी तरह हम 2-4 एंट्री डाल लेते हैं। एक और एंट्री हम कर लेते हैं। तो इस तरह आप जितना रिकॉर्ड इनपुट करना है, जितने स्टूडेंट्स को या कस्टमर को आपको ये लेटर सेंड करना है, उन सभी लोगों के एड्रेस को आप एक बार यहाँ पे फिल कर जाइए, भर जाइए और यहाँ पे न्यू करते जाएंगे, वो रिकॉर्ड आपका एक्सेप्ट करता जाएगा, रिकॉर्ड एक्सेप्ट करता जाएगा। यहाँ से अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से फिल्टर करने का भी ऑप्शन दिया है और कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ देखें, अगर हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो पहला रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, और यहां पे अगर हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो देखिए दूसरा, यहां पे प्रीवियस, यहां पे लास्ट और यहां पे फर्स्ट रिकॉर्ड डाले गए हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है। इसी तरह आप जितना चाहो उतना रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करते समय आप देख सकते हैं माई डाटा सोर्स नाम का फोल्डर खुल गया है। अब इसके अंदर आपको उस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया इन्विटेशन कार्ड, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने INV के नाम से सेव किया, सेव हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि वही रिकॉर्ड जो आपने इनपुट किया है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब यहाँ ओके बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये टूल बार ओपन हो जाएगा जिसका नाम है मेल मर्ज टूल बार। अब हमको इसके बारे में एक एक करके जो है सभी विकल्पों के बारे में देखना है, सभी विकल्प हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको ये सारा विकल्प समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड को यहाँ पे लाना पड़ेगा जिस फील्ड को हम यहाँ पे बना रखे हैं। तो फील्ड को लाने के लिए आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि मेल मर्ज के अंदर ये आपका 6ठे नंबर पे टूल दिया गया जिसका नाम है इंसर्ट मर्ज फील्ड, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि वो सभी कॉलम जो आपके द्वारा बनाए गए थे वो सभी कॉलम आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ नेम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेना है नेम के सामने। इसी तरह आपको फिर से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है और एड्रेस को सिलेक्ट करके एड्रेस को इंसर्ट कर लेना है। क्लोज करेंगे क्योंकि हम जिसके सामने चाहते हैं जो फील्ड इंसर्ट करना, इसके लिए हमको बंद करना पड़ रहा है। अब हमको सिटी चाहिए तो हम सिटी के आगे जो है क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और सिटी के आगे क्लिक करते हुए इंसर्ट करेंगे। क्लोज करेंगे तभी हम आगे की तरफ क्लिक कर पाएंगे, इसलिए बार बार हमको क्लोज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक बार इंसर्ट करेंगे तो एक ही रो के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, इसलिए हमको बार बार अलग अलग रो के अंदर क्लिक करना पड़ रहा है, इसलिए हमको इस विकल्प को बंद करना पड़ रहा है। तो अब हमें यहां पे पिन ले लेना होगा, पिन कोड ले लेना होगा और क्लोज कर देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये लेटर तैयार हो चुका है, वो फील्ड भी जो आपने बनाए हैं, जो रिकॉर्ड आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि उस रिकॉर्ड को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि इस 8वें नंबर टूल्स पे जिसमें दिया है व्यू मर्ज डाटा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको पहला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वो लेटर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना होगा कि इस टूल को यहाँ रख दीजिए, फाइल पे जाइए और आप इसको चाहते हो प्रिंट ना तो आप प्रिंट कर लीजिए। इसी तरह आप यहां पे नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं दूसरा रिकॉर्ड, यहां से प्रीवियस करेंगे, यहां से लास्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड पे अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड को फर्स्ट पे जा सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे फाइंड एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी नाम या एड्रेस या सिटी से आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ ला सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे लेना है भाटपर का रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ भाटपर लिखता हूँ और जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा यहाँ देख सकते हैं एड्रेस में भाटपर दिख रहा है। अगर मुझे सलेमपुर का चाहिए तो मैं यहाँ पे सलेमपुर लिख देता हूँ और जैसे हम
यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ देख सकते हैं सलीमपुर का रिकॉर्ड दिख रहा है। तो आप चाहो तो आप किसी भी फील्ड के तहत, चूँकि हमने यहाँ आल फील्ड लिया है, तो आप किसी भी फील्ड के तहत रिकॉर्ड को यहाँ पे सर्च करा सकते हो और उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये आपका वो एड्रेस हो गया, ये लेटर हो गया, आप इसको प्रिंट कर लें और प्रिंट करने के बाद आप उसको मेल कर सकते हो, आप उसको उस पते पर भेज सकते हो, या यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हो कि हम एक एक प्रिंट न करें और हम इसको सभी को एक साथ प्रिंट करें, तो यहाँ आप देख सकते हो एक विकल्प आ रहा है मर्ज टू प्रिंटर का ऑप्शन। यहाँ पे मर्ज टू प्रिंटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आल का ऑप्शन दिया है, आल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए करंट का भी रिकॉर्ड दिया है, यहाँ पे फ्रॉम का भी ऑप्शन दिया है, कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए आपने 100 रिकॉर्ड ऐड किया है और 100 में से आप चाहते हो कि शुरू के 50 रिकॉर्ड को ही हम क्या करें, मेल करें, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करंट में 1 लिखेंगे, फ्रॉम में 1 लिखेंगे और यहाँ पर आप 100 के बजाय आप 50 लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको 10वां रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे 10वां रिकॉर्ड ला दीजिए और उसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आल करते हो तो सभी रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। इस तरह आप प्रिंट के लिए ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सभी लेटर को हम अलग अलग एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखें, तो आपको यहाँ पे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। आप ये देख सकते हो बटन मेल मर्ज टूल बार के अंदर ये दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मर्ज रिकॉर्ड का ऑप्शन खुल गया, वही जो आपने प्रिंटर के साथ देखा है। आपको आल पे क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना है। ऐसा करते ही एक नया डॉक्यूमेंट पेज बन जाएगा और उसके ऊपर से आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहला रिकॉर्ड है और उसके लिए लेटर है जो आपको सेंड करना है, मेल करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया और ये आपका वो लेटर हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं तीसरे पेज पर आपका तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है, तीसरा ये जो है एड्रेस है और ये आपका लेटर है। लेटर वही है लेकिन एड्रेस क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। इस तरह आप ये विकल्प लेटर एंड मेलिंग के तहत यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फिर से हम अपने उस डाटा फाइल पर चले जाएँ जो ओरिजिनल फाइल है, तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो। तो इस तरह हमने आपको बताया था कि आप यहां से इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, यहां से अलग अलग नए डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप मर्ज कर सकते हो, यहां से हमने आपको बताया कि आप फाइंड कर सकते हो और ये बटन हमने बताया कि आप यहां से रिकॉर्ड पे जा सकते हो किसी निश्चित रिकॉर्ड पे अगर आपको जाना है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन यहां भी दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि फील्ड को मैच करें, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो जो फील्ड आपने पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ने फील्ड बनाकर दिया है, वो फील्ड और आप जो फील्ड बनाए हो अपने इस पेज के ऊपर, वो कौन कौन सा यहाँ मैच कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं नेम का फील्ड हमने बनाया था, नेम का मैच कर रहा है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे हमने सिटी लिया था, सिटी को मैच कर रहा है। नीचे आ जाइए, आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो भी फील्ड बनाया होगा, जो भी फील्ड हमने लिया होगा और कंप्यूटर में जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने जो कॉलम बना के दिया है, अगर उससे मैच कर रहा है तो यहाँ वो शो करता है, दिखाता है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं अगला जो विकल्प आता है हाईलाइट करने के लिए है कि आपने किस फील्ड को यहां पे इंसर्ट किया है, वो यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप यहां पे क्लिक करते हो तो फिर से आपको वही फील्ड दिखाई देंगे जो आपने बनाया है, इंसर्ट किया है। अगर आपको व्यू करना है तो दोबारा आपको ABC पे क्लिक करना होगा, तो आपको आपका पूरा रिकॉर्ड शो करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फील्ड भी दिए गए हैं। अगर आपको कुछ वर्ड इंसर्ट करने हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे अगर आपको जाने हैं, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मर्ज है सीक्वेंस करने का, नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ़ ये कंडीशन वगैरह यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमने ये बता दिया कि आप यहाँ से फील्ड को देख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन्स भी दिया है। अगर आप यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन दिया है इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट दिया है। डियर में आप क्या दिखाना चाहते हो, डियर सर आर मैडम, या आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। जैसे आप यहां पे ओके करेंगे, वो देख सकते हैं कि वो फील्ड यहां पे ग्रीटिंग लाइन के रूप में इंसर्ट हो गया है। आप ये रिस्पेक्टेड सर भी लिखे हुए थे, ये भी चलेगा। और नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहां पे डियर सर आर मैडम का फील्ड यहां पे ग्रीटिंग लाइन के रूप में इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद यहां पे एड्रेस ब्लॉक भी दिया हुआ है, कैसे आपको ब्लॉक इंसर्ट करना। ये जो आपने फॉर्मेट तैयार किया है, ये तो ठीक है आपने बनाया है, लेकिन अगर आप इस तरह के फॉर्मेट नहीं बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट को इंसर्ट कराएं, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जगह थोड़ा सा बना लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक को। अब किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए, यहाँ से आपको सिलेक्शन करने के बाद जब ओके करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वो नाम, वो एड्रेस,
वो सिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि नेम दिखाना है यहाँ पे, वो तो मैंने अपने समझने के लिए वहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी दे रखा था। अगर आप उसको नहीं भी लिखते हो तो डायरेक्ट आप फील्ड को इंसर्ट करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम और नए रिकॉर्ड को इसके डाटा के अंदर, हम डाटाबेस के अंदर ऐड करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर से आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन खुल चुका है। यहाँ फिर से हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने दिया SS, हम यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं। आप सीख रहे हो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस, सिटी भी आप और पिन कोड जो भी आपको यहाँ टाइप करना है ऐसे आप टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे जब आप क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके डाटाबेस के अंदर तो रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करने पर आप यहाँ देख सकते हैं कि चौथा रिकॉर्ड भी आपको यहाँ शो करने लगा है, जो जब भी हमने ऐड किया है वो भी आपको यहाँ दिखाई देने लगा है। अगर आप चाहते हो कि हम फिर से पहले जैसे हमारा जो फॉर्मेट था वो आ जाए, तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ ताकि जो फॉर्मेट हमने तैयार किया था उस फॉर्मेट में आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके मेल मर्ज के अंदर ये लेटर आपने तैयार कर लिया है। इस लेटर को आप क्या कर सकते हो, किसी को भी प्रिंट आउट करके भेज सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं टूल्स के अंदर लेटर एंड मेलिंग में अगला विकल्प जो है शो मेल मर्ज टूल बार का दिया गया है। अगर मैंने अभी बताया कि ये टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे तो टूल बार आ जाता है जब भी आप लेटर एंड मेलिंग को यूज़ करते हो और डाटा रिकॉर्ड ऐड कर लेते हो तो ऑटोमेटिक मेल मर्ज का टूल बार खुल के आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टूल बार दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको मैंने बताया कि आपको टूल्स के अंदर लेटर एंड मेलिंग के अंदर शो मेल मर्ज टूल बार पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने ये टूल बार खुल जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हैं लेटर एंड मेलिंग में शो जापानीज ग्रीटिंग टूल बार भी दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रीटिंग वर्ड आपके दिए गए हैं जो जापानी भाषा में लिखे गए हैं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के जो ग्रीटिंग टूल्स को आपको यूज़ करना है, इस तरह के सेंटेंस को प्रयोग करना है, तो आप यहां देख सकते हैं ग्रीटिंग वर्ड यहां पे दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करके जैसे ओके करेंगे आपके पेज के ऊपर वो ग्रीटिंग वर्ड आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर आप जापानी भाषा यूज़ कर रहे हो ऐसे ग्रीटिंग वर्ड को आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उस लेटर के अंदर आप प्रयोग कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि इस लेटर को या इस एड्रेस को हम इनवेलप के ऊपर प्रिंट करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और टूल्स मेनू के अंदर लेटर एंड मेलिंग में इनवेलप एंड लेबल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया था वो एड्रेस यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस में शो करने लगा है। यहाँ रिटर्न एड्रेस में आप अपना एड्रेस, अपने इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का एड्रेस आप डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, ऐसे मैंने टाइप किया और अपना रिटर्न एड्रेस भी यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको इनवेलप का शेप बदलना है, साइज़ बदलना है, आपको जानना है कि इनवेलप क्या है, किस साइज़ में दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि इनवेलप की साइज़ दी गई है। यहाँ से आपको अलग अलग तरह की साइज़ जो है मिल जाएगी। यहाँ पर आप जो भी साइज़ लेना हो साइज़ ले लीजिए। उसके लिए फॉन्ट क्या होगा, उसके लिए फॉन्ट का रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट क्या होगा, ये सब आप चेंज कर सकते हो। साथ ही इसका जो पोजीशन है वो आप यहाँ से बदल सकते हो कि फ्रॉम लेफ्ट से कितना होगा। यहां से जब देखेंगे क्लिक करने पे देखें यहां पे लुक आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे आप क्लिक करके जाए इसका लोकेशन जो है आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ यहां से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम का एड्रेस कहां होगा वो भी आप यहां से बदल सकते हो। देखिए ये फ्रॉम एड्रेस है, ये टू एड्रेस है, आप इसको सेट कर सकते हो, यहां से आप इसको बदल सकते हो। तो ऐसे विकल्पों का उपयोग करने के बाद जब आप ओके करेंगे और यहां पे प्रिंट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आप इनवेलप यूज करेंगे उस इनवेलप के ऊपर जो है ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको लेबल के रूप में प्रिंट करें तो यहां देख सकते हैं लेबल का ऑप्शन दिया है। इस लेबल को आप ले सकते हो और लेबल यानी स्टिकर के रूप में आप इसको प्रिंट करने के बाद आप उसको इनवेलप के ऊपर जो है पेस्ट कर सकते हो। लेबल जो आपने देखा होगा कि गम लगा हुआ एक पेपर जो आता है जिसके ऊपर आपको प्रिंट करने के बाद उसको आप कहीं भी जो स्टिकर को लगा सकते हो, आप पेस्ट कर सकते हो। तो वैसे अगर लेबल के रूप में लेना है तो यहां लेबल पर आपको क्लिक करना है। लेबल की साइज क्या होगी, इसका हाइट कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, वो सब आपको
यहाँ पे दिया है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो ये लेवल के रूप में प्रिंट हो जाएगा। तो इनवेलप और लेवल दोनों ऑप्शन दिए गए। इनवेलप में आपको डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस दोनों प्रिंट करना पड़ेगा, जबकि लेवल में केवल डिलीवरी एड्रेस ही प्रिंट होगा। और यहाँ से आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर लेटर एंड मेलिंग में यहाँ लेटर विजार्ड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप चाहते हो कि हम अपने लेटर को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करें, तो आप यहाँ डेट एंड टाइम को भी ले सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे पेपर का जो डिज़ाइन है वो बदल सकते हो। फिलहाल आप देख सकते हो कि जो आपका पेज खुल के आ रहा है एकदम सादा है, खाली है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक लेटर पैड का हम फॉर्मेट दें तो टूल्स मेनू के अंदर ही लेटर एंड मेलिंग में यहाँ देख सकते हैं लेटर विजार्ड है। यहाँ से आपको डेट फॉर्मेट ले लेना है, कौन सा डेट चाहिए, यहाँ पे आपको पेज का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यहाँ देखें, मैं यहाँ ओके करता हूँ, यहाँ देखें यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये शेडिंग आ रहा है और बीच में देख सकते हैं कि ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ टूल्स मेनू के अंदर लेटर एंड मेलिंग में लेटर विजार्ड में जब जाते हो तो यहाँ बहुत सारे पेज के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन देते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे वो लेटर पैड के ऊपर प्रिंट हुआ है, आपकी संस्था या जो भी है उसके लेटर पैड के ऊपर से उस लेटर को प्रिंट किया गया है। इससे थोड़ा सा लुक जो है आपका और अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो ये होता है लेटर एंड मेलिंग का यूज़। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।